हेलो वेलकम नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम वेलकम ऑल ऑफ यू वेलकम टू दी लाइव मिक्स प्रैक्टिस सेशन एंड यस वी आर लाइव नाउ ओनली ऑन आर एस एर यूट्यूब चैनल जहां मिलता है आपको एग्जाम

राइट right? आप किसी भी आर्मी की ट्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये क्लास आप सभी को अटेंड करनी है और लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर बताना है ये एक बार क्लास का टाइमिंग है नजर डाल लीजिए क्योंकि यहां पर आपको कंप्लीट आर्मी के लिए डेडिकेटेड फ्री बैच दिया जा रहा है जिसमें अगले 13 दिन में आपका पूरा सिलेबस आपको पलट पलट करके दिया जाएगा राइट right? बच्चों इस क्लास के तुरंत बाद इसका मॉक टेस्ट और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारे इस नोट्स बैच के अंदर जाकर इसे खुद से बैठकर जरूर लगाना ताकि आप अपनी स्पीड एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर पाओ क्योंकि एग्जाम हॉल में जो चीज मैटर करती है वो होता है आपकी स्पीड आपका टाइम मैनेजमेंट आपकी एक्यूरेसी और वो तभी आएगी जब आप यहां पर इन मॉक टेस्ट को मेरे साथ लगाने के बाद खुद से जाकर यहां से लगाएंगे हर एक क्लास का नोट्स आपको यहां दिया जा रहा है साथ ही साथ हर एक टॉपिक के सीबीपी और एसपीपी भी यहां पर अपलोडेड है जाकर इन्हें लगाइए और अपनी तैयारी को सफल बनाइए क्या हो गया आवाज नहीं आ रही मंजेश कुमार बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही सर अरे बेटा क्या बात करत हो क्या बात करत हो बिटवा बिटवा आ रही है कम आ रही है यार ऐसो नक्को बोलो है जी चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को ये टेलीग्राम ग्रुप है इसे ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन क्लासेस के रिगार्डिंग सबसे पहले आपको यहाँ अपडेट दिए जाते हैं ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना होने पाए एंड आप वे परेशान ना होने पाए ठीक है पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने को तैयार है पहले प्रश्न का आंसर देंगे सारे बच्चे लपक के क्या बात है एक बार सारे बच्चे सेशन को मारेंगे शेयर बुलाएंगे अपने सभी यार दोस्तों को एवरीवेयर और कह देंगे जाकर के चालो बुलावा आ गया है आपके अभिषेक सर ने बुला लिया है, है जी एक दुकानदार ने एक रुपए में चार टॉफिया बेची तब उसे पिछहत्तर प्रतिशत का क्या हो गया लाभ हो गया तो बताइए उसने एक रुपए में कितनी टॉफियां ख़रीदी होंगी हम मान लेते हैं कि उसने एक रुपए में एक्स टॉफियां ख़रीदी होंगी अगर एक टॉफ़ी एक रुपए में एक्स टॉफ़ी उसने खरीदी हैं तो इसका मतलब आप मुझे बताइए एक टॉफ़ी कितने की होगी आप कहेंगे एक बटे एक्स रुपए की खरीदी हैं तो सौ परसेंट के बराबर कर दिया मैंने प्यार मोहब्बत से यहां पर एक में चार टॉफियाँ बेची हैं तो एक टॉफी कितने की बेची होगी एक बटे चार की तब जाके उसे जो लाभ हुआ है वो पिछहत्तर प्रतिशत का हुआ है मतलब एक सौ पिछहतर प्रतिशत में उसने एक टॉफी बेची है सॉल्व कर लीजिए बस ये देखिए पच्चीस से पच्चीस चौक सौ और पच्चीस सत्ते एक सौ पिछहत्तर कैची चला दीजिए एक बार तो ये हो गया सात बटा एक्स और ये हो गया चार गुणा एक बटा चार ये देखो चार से चार खत्म एक्स का मान आ गया सात इसका मतलब उसे एक रुपए में सात टॉफियां क्या करनी होंगी खरीदनी होगी भाई साहब बोलो बात अगर दिल में उतर गई है तो गुरु जी मेरा नाम लो बेटा की अंतिम इच्छा है कि इसका नाम लिया जाए तो रजत पाठक जी तुम्हारा नाम लेने में मुझे कोई शर्म नहीं महसूस हो रही लेकिन मैं क्या करूं बेटा मैं मजबूर हूं नेक्स्ट पर आ जाइए कोई धन आठ साल में साधारण ब्याज की दर से तीन गुना हो जाता है आठ साल में तीन गुना हो जाता है कितने वर्षों में यह धन समान वार्षिक व्याज की दर से, गुना हो जाएगा। बच्चों अगर कोई धन एक से तीन गुना हो रहा है तो दो रुपए ब्याज मिलेगा ये दो रुपए ब्याज मिलेगा बोल रहा है आठ साल में अब इस पैसे को करना है सात गुना तो व्याज चाहिए हमें कितना च्छे, तो छ मिलने में कितना समय लगेगा मान लो टीटू याद आया कुछ ये काटा दो से दो तीया तीन गुणा आठ किया टी बड़े प्यार है है, तो नेक्स्ट आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको दे है लंबाई को 10 परसेंट घटा दिया है और चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल ना बदले दो राशियों का गुणनफल मैंने आपको बताया था जब तीसरी के बराबर होता है और आप चाहते हो कि तीसरी फिक्स रहे तीसरी में कोई बदलाव ना हो तो एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी को कम करना होगा इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे की उल्टी हो जाएंगी कह रहा है कि लंबाई को आपने 10 परसेंट घटा दिया मतलब 10 से 9 कर दिया तो साहब चौड़ाई अरे सर चौड़ाई को अब 9 से 10 करना होगा यानी कि चौड़ाई को अब एक बढ़ाना होगा कितने से नौ से इंटू कर दिया हंड्रेड का बड़े प्यार से आंसर आएगा बेटा ग्यारह से ही एक बटे नौ परसेंट की वृद्धि और यही इस सवाल का आंसर होने वाला है चाहो सर थोड़ा अप लेवल है ये तुम्हें लो लेवल लग रहा है वाह बेटा सही जा रहे हो फिर तो तुम फिर तो बहुत सही जा रहे हो बेटा तुम गौर से देखिए इसको करने के और भी तरीके थे दस परसेंट घटा दिया है तो दस रखा ऊपर नीचे सौ में से दस घटा दिया और इनटू कर दिया सौ का तब भी डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा अगर बढ़ाने की बोलता तो यहाँ प्लस आ जाता नेक्स्ट पर आ जाइए पीडीएफ नोट्स बैच में मिलेगी बेटा मैंने अभी बताया ना आपको पीडीएफ आपको नोट्स बैच में मिल जाएगी ठीक है बनाइए प्रवीण किसी काम को दस दिन में और धीरज ग्यारह दिन में कर सकता है दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया परंतु धीरज काम समाप्त होने से तीन दिन पहले काम छोड़कर चला गया है तो पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा गौर से देखिए बच्चों एक प्रवीण नाम का व्यक्ति है और एक धीरज नाम का व्यक्ति है ठीक है प्रवीण काम को दस दिन में कर सकता है और धीरज ग्यारह दिन में बोलो काम कितना होगा तो ऐसे सवालों में काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं दस और ग्यारह का एलसीएम हो जाएगा एक यानी काम रहा होगा 110 जो प्रवीण ने किया होगा 10 दिन में और धीरज ने किया होगा 11 दिन में इसका मतलब प्रवीण हर दिन करता होगा 11 काम और धीरज हर दिन करता होगा 10 काम अगर मैं आपसे बोलूं कि धीरज काम खत्म होने से तीन दिन पहले काम छोड़कर गया है मैं कह रहा हूं अगर ये काम छोड़कर ना जाता अगर यह काम छोड़कर ना जाता फिर क्या होता तो आप कहेंगे कि सर अगर यह काम छोड़कर ना जाता क्योंकि इसने तीन दिन पहले काम छोड़ा है इसका मतलब इसने अपने हिस्से के तीन दिन का काम नहीं किया अगर ये छोड़कर ना जाता अच्छा आप मुझे बताओ तीन दिन में ये कितना काम कर सकता था आप कहेंगे ये तीस काम कर सकता था सर लेकिन इसने ये तीस काम नहीं किया ये काम छोड़कर चला गया इसका मतलब वास्तव में जो काम रहा होगा जो ये दोनों मिलकर करने वाले होंगे वो एक रहा होगा जो दोनों मिलकर इक्कीस की रफ्तार से करते होंगे राइट आप कहेंगे जी सर कितने दिन में करते होंगे बच्चों जरा बता दो आप कहेंगे सर काट लीजिए सात से बीस बार में सात से तीन बार से आंसर होने वाला है यानी कि ए बात समझ में आई बेटा टेक्निकल मैथ आसान है लेकिन आर्मी में टेक्निकल मैथ का कोई वेटेज नहीं है टेक्निकल मैथ में भी जनरल आता है ठीक है <laughs> तो इस बात को अभी समझ लो तो ज्यादा अच्छा है वरना बाद में तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर आप इस गलत फहमी में हो कि टेक्निकल टेक्निकल मैथ मैथ आती आती है है में भी जनरली क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न देखिए मैंने यहां पर कुछ नहीं किया है सिर्फ जब भी कोई व्यक्ति काम खत्म होने से पहले काम छोड़ता है तो उस केस में हम उस व्यक्ति को जाने नहीं देते उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उसी से काम करवाते हैं इसका मतलब कायदे से ये काम छोड़कर चला गया ना इसने अपने हिस्से के तीन दिन का काम नहीं किया है इसका मतलब तो यही है मैं कह रहा हूं अगर ये ना जाता तो फिर तो फिर ये दोनों मिलकर काम करते और उस 110 नहीं था जनरल में थोड़ा कम आता है इसलिए एग्जाम में नहीं आता है वाह 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 बेटे वाह चलिए एक कॉलेज में लड़कों के एक बटा पांच भाग और लड़कियों के एक बटा आठ भाग ने किसी कैंप में हिस्सा लिया है यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हैं और लड़के और लड़कियों का रेशो पांच दो है तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया है देखो ध्यान से टोटल विद्यार्थी 420 हैं, जिनमें कुछ तो लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं आप कहेंगे जी सर अब आप मुझे बताइए कि किस रेशो में है आप कहेंगे पांच दो के रेशो में है मतलब पांच लड़के हैं और दो लड़कियां हैं इसका मतलब टोटल सात विद्यार्थी उस स्कूल में है लेकिन सात नहीं श्रीमान चार सौ बीस है कितने गुना है सर साठ गुना है तो इसका मतलब लड़के वास्तव में तीन सौ होंगे और लड़कियां वास्तव में एक सौ बीस होंगे हमें पता लग चुका है श्रीमान के वास्तव में 300 लड़के हैं उस विद्यालय में और 120 लड़कियां हैं उस विद्यालय में जिनमें से एक बटे पांच लड़कों ने कैंप में हिस्सा लिया है बताओ 300 का एक बटे पांच कितना होगा आप कहेंगे सर 60 होगा यानी 60 लड़कों ने कैंप में हिस्सा लिया है और लड़कियों में सर जी लड़कियों में कह रहे हैं एक बटे भाग लड़कियों ने कैंप में हिस्सा लिया है बताओ 120 का एक बटे आठ क्या होगा आप कहेंगे पंद्रह होगा इसका मतलब साठ लड़के और पंद्रह लड़कियों ने कैंप में हिस्सा लिया है मतलब पिछहत्तर विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कैंप में हिस्सा लिया है और यही हमसे पूछा गया है बड़े प्यार से हमने बच्चों आंसर दे दिया बोलो मजा आई अरे बोलो मजा आई चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए अगला प्रश्न आपके सामने है। ये भाई साहब क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं और इन भाई साहब को ये नहीं मालूम कि क्लर्क में कितने क्वेश्चन आते हैं इन भाई साहब को बताओ कोई कि क्लर्क में कितने क्वेश्चन आते हैं इतने परेशान है ये कि कमेंट बॉक्स में इन्होंने आतंक मचा रखा है बताओ अब क्या ही कहें हम दस साल पहले ए की आयु बी की छह गुनी थी और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात चार अनुपात एक दे रखा है तो कह रहे हैं ए की चार साल बाद आयु क्या होगी ठीक है तो ध्यान से देखना बच्चों और बात को समझना दस साल पहले की बात कर रहे हैं दस साल पहले दो व्यक्ति थे ए और बी जिनकी उम्र का अनुपात दिया गया है आपको कह रहे हैं एक की आयु बी की आयु की छह गुनी है मतलब बी की अगर एक है तो एक ही छह होगी और प्रेजेंट में और वर्तमान में सर जी वर्तमान की बात हो रही है वर्तमान में जो अनुपात दिया है इनका वो चार एक दिया है ठीक है अब हमें ध्यान देना है एक ही आयु पर पहले एक ही वर्तमान आयु निकालते हैं कैसे निकलेगी आप मुझे बताओ समय कितना गुजरा आप कहेंगे सर दस साल गुजरे और इन दस सालों में एक उम्र छह से चार हो गई क्या यह संभव है बी की उम्र उतनी की उतनी ही रही क्या यह संभव है आप कहेंगे नहीं तो अब इसको संभव बनाओ कैसे चार और एक का अंतर कितना है तीन तो तीन का गुणा यहां करो तीन का गुणा यहां करो छह और एक का अंतर है पांच तो पांच का गुणा यहां करो और पांच का यहां करो ऐसा इसलिए हमने किया ऐसा क्यों किया आखिर इसकी वजह क्या है ऐसा इसलिए किया ताकि हमें पता लग सके कि अठारह का ए अब बीस का हो चुका है दो साल इसकी उम्र बढ़ चुकी है और बी तीन से पांच का हो गया है इसकी उम्र भी दो साल बढ़ चुकी है वास्तव में उम्र दो नहीं वास्तव में दस बढ़नी चाहिए थी कितने गुना है पांच गुना तो इसका मतलब वास्तव में एक की उम्र बीस नहीं पांच गुना होगी यानी कि सौ साल होगी यानी वास्तव में एक की उम्र सौ साल है अभी वर्तमान में हमने ये कैसे किया हमने इन दोनों के अंतर को ऊपर गुणा कर दिया और इन दोनों का अंतर नीचे गुणा कर दिया ऐसा क्यों किया ताकि ये अंतर समान हो क्योंकि जब उम्र समान रूप से बढ़ती है तो अंतर भी समान रूप से बढ़ता है आज से पांच साल बाद की मैं बात करूंगा तो मेरे लिए भी पांच साल बढ़ेंगे और आपके लिए भी पांच साल बढ़ेंगे ठीक है ऐसा नहीं होगा कि मेरे लिए पांच साल बढ़े और तुम्हारे लिए चार ही साल बढ़े उम्र समान रूप से सबकी बढ़ती है अगर यहाँ दस साल बड़े हैं तो यहाँ पर भी समान रूप से बढ़ना चाहिए और इस अंतर को समान बनाने के लिए ही हमने इसके अंतर का ऊपर गुणा किया और इसके अंतर का नीचे गुणा किया ठीक है पता लग गया कि एक की उम्र होगी सौ साल अगर एक की उम्र सौ साल है तो चार साल बाद कितनी होगी तो आप कहेंगे अगर अभी ए सौ साल का है तो चार साल बाद इसकी उम्र चार साल और बढ़ जाएगी हो जाएगी एक सौ चार साल और यही इस प्रश्न का आंसर है क्लियर है भाई साहब समझ में ये बेटा मिक्स प्रैक्टिस को लाने का उद्देश्य यही है कि साथ साथ में आप टॉपिक वाइज करते चले और साथ साथ में आप मिक्स करते चले मिक्स करने का फायदा ये होता है कि आपकी स्पीड बढ़ती है आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है आपको टाइम मैनेज करना आता है आपको अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी से जल्दी हिट करना है ये आप सीखते हैं एक घंटे अगर आप बैठ पढ़ते हैं तो केवल अगर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो एक ही टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन जब आप यहाँ पर मेरे साथ मिक्स प्रैक्टिस करेंगे तो अगर मैं पच्चीस सवाल लाया हूँ तो इसका मतलब आपको पच्चीस कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे पच्चीस कॉन्सेप्ट आपको एक घंटे में पढ़ने को मिलेंगे तो सोचो किस चीज़ में फायदा है एक घंटे में पच्चीस कॉन्सेप्ट सीखने में या एक घंटे में एक कॉन्सेप्ट सीखने में टॉपिक वाइज में आप एक घंटे में एक ही कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे लेकिन यहाँ यहाँ पर आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं मेरे क्वेश्चन की वैरायटी आपको पता लगेगी उनको करने के तरीके आपको पता लगेंगे और नो no डाउट आपको सबसे ज्यादा फायदा तो तभी पहुंचेगा जब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से करेंगे और मेरी फिर से आपसे गुजारिश है मैं आपको अभी ये करा रहा हूं आपका कर्तव्य ये है कि आज इस क्लास के जैसे नोट्स में ये अपलोड हो जाए इसका पीडीएफ मॉक टेस्ट आपको नोट्स बैच में मिल जाएगा बैठकर एक बार खुद से जरूर लगाना तब आपको इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मैं तो आपकी क्लास में आ गया हूं आपकी क्लास में मैंने पढ़ ली है बस काफ़ी है अब नहीं देख रहा मैं इन क्वेश्चन को ऐसा मत करना अभी आप मेरे साथ लगा रहे हो एक बार खुद से टाइमर लगाकर टाइम लगाकर अपनी घड़ी में अपने फोन में और फिर इन क्वेश्चन को लगाकर देखना और देखना कि कितनी देर में तुम बीस क्वेश्चन बना पा रहे हो तुम्हारी स्पीड क्या है कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो तुम कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो क्वेश्चन छोड़ना कौन सा है क्वेश्चन करना कौन सा है किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है किस चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादातर नहीं बन रहे हैं उस चैप्टर को क्या मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा ये सारी चीजें साठ भैंसों को एक चरागाह में चालीस दिन तक चराने के लिए आपको एक सौ अस्सी रुपया किराया देना होता है। तो अब कितनी किराए के रूप में आपको एक सौ पैंतीस प्रश्न है कुछ नहीं करना साठ भैंसे हैं चालीस दिन तक आप उन्हें चरा रहे हो तब जाके आप उसके दे रहे हो एक सौ अस्सी रुपए ठीक है अब कह रहे कितनी भैंसे ले मान लो एक्स जो बीस दिन तक चरे और एक सौ आपको किराया देना पड़े आप देखिए मैंने भैंसों की जगह भैंसों को रखा है मैंने दिन की जगह दिन रखे हैं मैंने किराए की जगह किराया रखा है अब बस इसे सॉल्व कर लेना है राइट तो ध्यान से देखिए 20 से 20 दूनी 40 हो जाएगा 60 से 60 दिया 180 हो जाएगा उसके बाद तीन से काट लो तीन चौक बारह और तीन पंजे पंद्रह हो जाएगा पैंतालीस गुणा करेंगे एक्स बराबर आ जाएगा नब्बे यानी नब्बे भैंसों को आप बीस दिन तक चरा सकते हो बड़े प्यार से बात समझ में आई दिल में उतर गई है तो एक दिल फेंक कर मार देना बच्चों ठीक है चलिए आगे बढ़ जाएं बच्चों नेक्स्ट पर आ जाइए किसी शहर की जनसंख्या आठ हजार थी एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में दस परसेंट की और स्त्रियों की जनसंख्या में आठ परसेंट की वृद्धि हुई अगर कुल जनसंख्या में नौ परसेंट की वृद्धि हुई है तो उस शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है वाह भाई साहब दिल गार्डन गार्डन कर देना चाहता हूं समझ रहे हो आप जी ध्यान से देखिए ऐसे सवालों में देखो पुरुषों की संख्या की बात हो रही है महिलाओं की बात हो रही है पुरुषों के केस में जनसंख्या में दस परसेंट की वृद्धि हो रही है और महिलाओं के केस में आठ परसेंट की वृद्धि हो रही है सभी में कुल मिलाकर नौ परसेंट की वृद्धि हो रही है ओवरऑल जो हो रही है वो बीच में रखेंगे ये लगा दिया हमने एलिगेशन सबसे बेस्ट तरीका ऐसे सवालों को करने का नौ में से आठ गया एक आएगा दस में से नौ गया एक आएगा इसका मतलब उस शहर में एक आदमी है और एक महिला रहती यानी उस शहर में केवल दो लोग हैं लेकिन सवाल में कह रहे हैं दो नहीं आठ हजार लोग हैं उस शहर में कितने गुना है चार हजार गुना तो ये भी चार हजार गुना यानी कि चार हजार आदमी होंगे और चार ही हजार महिलाएं होंगे पूछा क्या है पुरुषों की संख्या तो पुरुषों की संख्या कितनी हो गई चार हजार हो गई मजा आया मजा आया अरे आया अरे आया के नहीं आया भाई आए चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए अगला प्रश्न एक टीम के बारह खिलाड़ियों की औसत आयु पच्चीस साल दे रखी है बारह खिलाड़ी हैं जिनकी औसत आयु पच्चीस साल दे रखी है ये नए नए तरीके फास्ट तरीके एक्यूरेट तरीके जब तक आप नहीं अपनाएंगे और अभी भी हड़प्पा सभ्यता वाले मेथड से सवाल को बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूं तुम पंद्रह सवाल विद इन टाइम में बना ही नहीं सकते तुम्हें अगर सवालों को टाइम में बनाना है तो उसके लिए तुम्हें तुम्हारे पास नए तरीके होने चाहिए ठीक है तो कह रहे बारह खिलाड़ियों की औसत आयु 25 साल है अगर कप्तान को शामिल कर लोगे तो हो जाएंगे तेरा लोग तो कह रहे हैं कि उनकी औसत आयु साल बढ़कर 26 हो जाती है पूछ छब्बीस कप्तान की आयु कितनी है ऐसे सवाल जिनमें कोई व्यक्ति शामिल हो या कोई व्यक्ति निकले तो ऐसे सवालों को करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनना बारह से हुआ तेरह कितना बड़ा एक 25 से हुआ 26 कितना बड़ा एक जो बड़ा उसी की वैल्यू यहां से मिलेगी एक का गुणा 26 से कर दो 26 आ जाएगा 12 का गुणा एक से कर दो 12 आ जाएगा दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा 38 और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक लाइन में उत्तर खलास क्या बोलती पब्लिक बात समझ में आ रहा है मामला सेट है बॉस मजा आ भी गये ये लो फिर एक प्रश्न मैंसुरेशन से है जी अब बना के दिखाओ तो तुम्हें जाने हम मजा आ रिला है प्रशांत पाल जी को क्या बात है प्रशांत तो इस बात पर एक बार सेशन को शेयर मारो और कॉलर पकड़कर खींच के लाओ पेपर को समय नहीं बचा 22 अप्रैल इस तरह से अपने मां बापू का सपना साकार करेंगे कैसे करेंगे रहे किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है 924 मीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा आपको पहले तो यह बात पता होनी चाहिए कि कोई भी पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है तो याद रखना एक चक्कर में कोई भी पहिया परिधि के बराबर दूरी तय करता है यानी कि टू पाई आर दूरी तय करता है ठीक है मैं बता रहा हूं ना साथ साथ में कॉन्सेप्ट बेटा एक चक्कर में कोई पहिया टू पाई आर चलता है मान लो ऐसे उसने एन चक्कर लगाए तब जाके उसने 924 मीटर की दूरी तय की होगी बोल सकता हूं यही तो बोल रहे हैं कि 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने होंगे हमें पता है एक चक्कर में लगाता है टू पाई आर ऐसे मान लो उसने एन चक्कर लगाए तो टू पाई आर एन चला होगा तब जाके वो 924 चला होगा बस अब इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना लो सर कर लेते हैं सॉल्व टू इन पाई की जगह बाईस बटे सात रख दो आर का मान आपको दिया ही है इक्कीस इन एन बराबर में नौ सौ चौबीस अच्छा सेंटीमीटर में है ये तो इधर भी आपको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा तो दो जीरो और कर दो इन सौ कर दो क्योंकि एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं सॉल्व कर लेते हैं सात से काट दो सात या इक्कीस हो जाएगा तीन से काट लो तीन छे, छे से इसे काटेंगे तो छह कम छह बचेगा तीन छीस छो चौवन हो जाएगा सात सौ आ जाएगा तो एन बराबर कितना आ गया सात सौ यानी कितने चक्कर लगाएगा वो सात सौ चक्कर लगाएगा मजा आया है जी सात नहीं बेटा सात सौ ये मीटर में दिया था और त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर में है फर्क देखो दोनों में या तो इसे मीटर में कन्वर्ट करो या इसे सेंटीमीटर में नेक्स्ट पर आ जाइए किसी संख्या के नौ परसेंट दो संख्या के दो संख्या के नौ परसेंट और चार परसेंट का योग पहली संख्या के छह परसेंट और दूसरी संख्या के आठ परसेंट के योग के बराबर है मान लो एक संख्या x है दूसरी संख्या y है कह रहे हैं कि एक संख्या के नौ परसेंट और दूसरी के चार परसेंट का जो योग है वो बराबर है पहली संख्या के छह परसेंट और दूसरी संख्या के आठ परसेंट के योग के बराबर कह दीजिए एक बार मजा आया है जी आप कहेंगे जी सरकार नौ माइनस छ हो गया तीन परसेंट ऑफ एक्स चार माइनस आठ हो गया फोर परसेंट ऑफ बॉय यहां से परसेंट से परसेंट को निपटा दिया तो एक्स अपॉन वाई कितना चार बटा तीन आ जाएगा और और यही हमसे पूछा है कि यानी पहली संख्या और दूसरी का अनुपात क्या होगा शरीफ बालक बोल रहा है फिर से बताओ क्या बताना है बेटा शरीफ कौन सा वाला क्वेश्चन की बोल रहे हैं आप मैं वो बता दूंगा बेटा आप बताएं तो सही कौन सा मेरे बच्चे कौन सा मेरे लाल कौन सा ए मेरे बच्चे टेंथ वा, टेंथ वाला अरे यार हमें पता है एक चक्कर में कोई पहिया टू पाई चलता है मान लो उसने ऐसे एन चक्कर लगाए तब जाके उसने 924 मीटर चला होगा ऐसा हमने मान लिया अब चूंकि ये सेंटीमीटर में है ये मीटर में है तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं इसलिए हमने सौ का गुणा कर दिया यहाँ पर वैल्यू रख दी आर की सवाल में दिया है आर इक्कीस सॉल्व कर दिया इनका मान आ गया सात सौ कुछ था ही नहीं बेटा नेक्स्ट पर आइए

एच ऊंचाई वाले एक बेलन का आयतन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल समान हो बनाइए पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एच ऊंचाई वाले बेलन का जो आयतन होगा देखो ध्यान रखो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है ये बराबर है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के यानी कि टू पाई आर आर प्लस एच के बेलन का आयतन ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है बराबर कर दिया हमने दोनों को जी सरकार पाई से पाई को निपटाया जी सरकार एक आर से एक आर को निपटा दिया जी सरकार बचा केवल आर इन टू एच यहाँ पर बचा टू आर प्लस दो का गुणा ऐसे किया दो एच हमसे त्रिज्या आर का मान पूछा गया है तो एक काम करो आर एच के पास ले आओ टू आर को बराबर में टू एच ऐसा का ऐसे ही यहाँ से आर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा एच माइनस टू बराबर में टू एच तो आर बराबर कितना आ जाएगा आप कहेंगे सर टू एच बटे एच माइनस टू हो जाएगा है क्या ऑप्शन में टू एच बटे एच माइनस टू जी सर बी फॉर बॉम्बे आंसर होगा हाँ भाई साहब बोल रहे हैं सर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो सर आप आईएफ लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हो अच्छा रुको इससे पहले एक बच्चे का कमेंट आया था शुरू शुरू में रुको 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 कहाँ है वो बच्चा आ, कहा है कहा है कहा है कहा है आ, गया एक एक बच्चे का कमेंट था बेटा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जो चल रही थी ना वो हाँ एक बच्चा बोल रहा था पुष्पेंद्र पुष्पेंद्र बोल रहा था सर थोड़ा अप लेवल अब मैं किसकी बात का भरोसा करूं मुझे ये बताओ ऐ तुम्हें तो वाकई ऐसा लगता है कि ये चीज़ टफ है टफ तुम्हें तो देखना है ना मैंसूरेशन टफ तो अभी नौ से ग्यारह वाली क्लास सी की पड़ी हुई है जाकर एक बार देख लेना तुम्हें तो समझ में आ जाएगा कि टफ़ क्या होता है ठीक है ये टफ लग रहा है भाई साहब को घूमते फिरते आएंगे और फिर चिल्लाएंगे फिर कहेंगे कि सर ये नहीं आता वो नहीं आता ऐसा नहीं आता वैसा नहीं आता फिर जब आ जाएगा फिर दिखेंगे नहीं कहा नजर नहीं आएंगे अनुराग जी आहा हा चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए, अब क्या तो ये भी नहीं आते ये तो सिलेबस में ही नहीं है सर है ये तो है ही नहीं सर सिलेबस में सर आप कौन से एग्जाम के लिए करा रहे हो बेटा ये आर्मी के एग्जाम के लिए तनिषा कौशिक जी आप दो भाई हैं क्या नहीं बनाइए बनाइए 1998 का कुल खर्च छियालीस हजार है तो भोजन पर कितना खर्च किया गया है ये पूछ रहे हैं आपको 1998 में एक परिवार का अलग अलग चीजों पर किया गया खर्चा दे रखा है 72 डिग्री खर्च करते हैं अन्य पर बचत करते हैं 54 की 82.8 भोजन पर खर्च करते हैं 36 डिग्री कपड़ों पर खर्च करते हैं 54 डिग्री रहने पर और 43.2 डिग्री शिक्षा पर 18 परसेंट यातायात पर खर्च करते हैं ठीक है आप कहेंगे जी सरकार आपसे बोला है कि टोटल जो खर्चा है वो इतना है पूछ रहे हैं कि भोजन पर कितना कर रहे हो तो टोटल है खर्चा कितना फोर्टी सिक्स थाउजेंड खर्च कितना कर रहे हैं सर जी खर्च कर रहे हैं भोजन पर एट्टी टू पॉइंट एट डिग्री एट्टी टू पॉइंट एट डिग्री डिग्री में है इसलिए कितने में से तीन सौ साठ में से ये पूरा तीन सौ साठ का है ये पूरा तीन सौ साठ है ठीक है 360 में से आप 82.8 खर्च कर रहे हो यानी 82.8 कितने में से 360 में से जितना भी भाग आएगा 46,000 का उतना भाग हम निकाल देंगे सीधे सीधे सॉल्व कर लेना है पॉइंट हटाओ नीचे दो जीरो दो जीरो से दो जीरो को निपटा दिया मैंने बड़े प्यार से चार से काटा मैंने कम चार एकम चार चार एकम चार चार पंजे बीस चार से काटा मैंने चार नौ में छत्तीस बड़े प्यार से नौ से काट लेंगे निम्न निम्बे इक्यासी और नौ दो नहीं अट्ठारह राइट एक सौ बानवे सॉरी बानवे इंटू एक सौ पंद्रह करेंगे आंसर आएगा दस पांच सौ अस्सी और यही इस प्रश्न का आंसर है यानी कि बी फॉर ठीक है बोलिए यहां तक कोई तकलीफ है जी टोटल खर्चा हमें दे रखा था हमसे पूछा था भोजन पर कितना हो रहा है तो भोजन पर हो रहा है इतना कितने में से तीन सौ साठ डिग्री में से खत्म सॉल्व कर दिया हमने एक और लीजिए इस बार कुल खर्चा फोर्टी सिक्स थाउजेंड है और वस्त्रों और आवास पर कुल कितना खर्च हो रहा है तो भैया वस्त्रों पर हो रहा है थर्टी सिक्स आवास पर हो रहा है फिफ्टी फोर निकाल दो फिर इसी बात पर कितने में से तीन सौ साठ में से तो थर्टी सिक्स और फिफ्टी फोर हो गया नाइन्टी सही ना नाइंटी हो गया नाइन्टी डिग्री खर्च हो रहा है कितने में से तीन साठ में से इसका फोर्टी सिक्स थाउजेंड का खत्म सवाल खत्म सवाल भाई साहब ये काटा चार बार में चार से काट लो कम चार एकम चार चार एकम चार चार पंजे बीस ग्यारह पाँच सौ आपका आंसर आ गया मजा आया अरे मजा आया सर कौन से लाए हो ये क्वेश्चन भैया ये लो एल सी हम्म दो संख्याओं का लासा उनके मासा का बीस गुना है जो लघुत्तम समाप्त वर्त है ना वो एच का बीस गुना है साथ में एलसीएम और एम का योग आपको दे रखा है कितना आप कहेंगे सर एलसीएम और एस का योग मुझे दिया है पच्चीस बीस राइट क्या एलसीएम की जगह मैं बीस एच नहीं लिख सकता क्योंकि एलसीएम एस का बीस गुना है प्लस एक एस बराबर में पच्चीस बीस ठीक है ये हो गए टोटल 21 एस बराबर में आ गया 25 20 बड़े प्यार से अब आप मुझे बताइए एस कितना आएगा तो सर एस निकाल ले रहे हैं 21 से भाग करके 21 एकम 21 21 दूनी बयालीस एक आ जाएगा एच तो एल कितना होगा सर एल हो जाएगा चौबीस क्यों क्योंकि एलसीएम एस का 20 गुना है तो 120 का 20 गुना करेंगे तो कितना आएगा सर 2400 तो आएगा तो आपके पास एलसीएम आ गया आपके पास एस आ गया आपको एक संख्या 480 सौ दी है क्या दूसरी नहीं निकाल सकते क्या दूसरी नहीं निकाल सकते अरे निकाल सकते हैं सर कैसे कैसे अरे सर हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एल और एस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है लो कर दिया बराबर जो दिया है वो रख दो एक संख्या चार दी है दूसरी पूछी गई है एलसीएम है चौबीस 2400 और एस है 120 खून खराबा कर लेते हैं कृपया कमजोर दिल के लोग ना देखें 120 से कटेगा चार बार में चार से कटेगा 600 बार में तो दूसरी संख्या जो आ जाएगी वो आ जाएगी 600 क्या बोलती पब्लिक क्या बोलती एसएससी जीडी का रिजल्ट जल्दी ही आएगा बेटा नेक्स्ट पर आने से पूर्व आप सभी को बताना चाहूंगा बच्चों तीन अप्रैल को हमारा न्यू अटल बैच का अनाउंसमेंट होने वाला है जिसमें आप सभी का तहे दिल से आमंत्रण है अगर आपको भी लगता है इस बार कोई कमी रह गई इस बार हम चीज़ों पर काम नहीं कर पाए और अब फिर से शुरुआत करेंगे बिल्कुल शून्य से शिखर की तो उसके लिए आप लोगों को इस बैच के अनाउंसमेंट में पहुंचना है तीन अप्रैल सुबह ग्यारह बजे देखना ना भूलिए इसमें बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस इस बार आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं एयरफोर्स नेवी आई सी जी एयरफोर्स फेज टू और स्पोकन इन सभी स्ट्रीम का अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलने वाला है तो अगर अगले इनटेक के लिए होता ही यार तो इसे मिस मत करना मेरे यार ठीक है चलिए बताइए आवाज कम है ओके मैं भी चेक करवा लूंगा बेटा अब इस क्लास को मैनेज कर लो इसके बाद मैं चेक करवा लूंगा टेक्निकल टीम से ठीक है बताइए बहुत ही प्यारा प्रश्न इकाई के अंकों के आधार पर इकाई के अंक वाला स्थान सात है देखो कायदे से हम कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं सर नौ सात तिरसठ का तीन तिया नौ नौ गुणा स्टार के स्थान पर मान लो है एक्स तो कह रहे हैं इकाई अंक सात आएगा अब आप मुझे बताओ एक्स का मान मैं क्या लू कि सात आ जाए इकाई के स्थान पर एक ले सकता हूँ क्या नहीं दो ले सकता हूँ क्या नहीं तीन ले सकता हूँ क्या हाँ जैसे आप तीन लेंगे यहाँ पर नौ तिया सत्ताईस का सात साथ साथ, साथ उनचास का नौ नौ तिया सत्ताईस का सात तभी सात आ सकता है इसलिए हम कहेंगे कि भैया स्टार के स्थान पर तीन रहा होगा है जी मजा आया नेक्स्ट पर आ जाइए दस बीस और चालीस परसेंट की कटौती किस एकमात्र कटौती के बराबर है किसको टफ लग रहा है किसको लग रहा है टफ अरे डिस्काउंट का प्रश्न है भाई साहब तीन, तीन, चार, चार तरीके बताएं बना दो। आइए दस परसेंट का मतलब दस की चीज नौ में बीस परसेंट का मतलब पांच की चीज चार में और चालीस परसेंट का मतलब पांच की चीज तीन में कुल मिलाकर पच्चीस पच्चीस पंजे दो सौ पचास रुपए की चीज नौ नौतीस एक सौ आठ रुपए की मिलेगी कितने का डिस्काउंट मिलेगा बच्चों जरा बता दो आप कहेंगे सर एक सौ बयालीस रुपए का डिस्काउंट मिलेगा कितने पर दो सौ पचास की चीज पर इंटू कर देंगे हंड्रेड का ये लो साहब 25 से 10 बार में 25 से 4 बार में चार दुनिया आठ चार चौक सोलह चार एक चार और एक पांच फिफ्टी सिक्स पॉइंट एट आपका आंसर आने वाला है बड़े ही प्यार से याद आया कुछ सक्सेसिव मेथड टॉपिक वाइज कहा है बेटा मैंने अभी तुम्हें बताया टॉपिक वाइज जो चल रही है प्रैक्टिस यार तुम लोग शुरू में तो देखते नहीं हो ये रही टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बेटा कहा रही टॉपिक वाइज दस बजे सुबह बेटा शुरू में देखते नहीं हो यार फिर बाद में तुम लोग करते हो यार समझ नहीं आता चलो नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से बनाइए किसी वस्तु को 1920 में बेचने पर जो लाभ मिलता है उस वस्तु को 1280 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है तो वस्तु को कितने मूल्य पर बेचे कि 25 परसेंट का लाभ हो जाए याद कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस के वो खूबसूरत दिन जब आपको बताया गया था कि जब जब प्रॉफिट और लॉस बराबर होता है रुपयों में तो सीपी निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता दोनों को जोड़कर आधा कर देना होता है दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर आधा कर देना होता है तो हमें सीपी तुरंत मिल जाएगा 1920 और 80 हो गए 2000, हजार हो गए 3200, 3200 का आधा 1600, यानी क्रय मूल्य हो गया सोलह ठीक है जी आप कहेंगे जी सर अब 1600 की चीज़ को आपको 25% परसेंट के लाभ पर बेचना है लिखा है बताओ 1600 का 25% परसेंट कितना होगा सर 400 होगा तो बताओ 1600 की चीज़ को कितने में बेचोगे सर 2000 में बेचूंगा मैं तो और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा है कितना हादसा आप अच्छा पढ़ाते हैं किसी की किसी की औखात नहीं जो नंबर काट दे अच्छा जी हो सकता है एस एस वाला बैच पढ़ा है तो ये आर्मी के लिए सफिशियंट है हाँ सफिशियंट है बेटा कोई इशू नहीं है है ना लेकिन लास्ट टाइम पर मैं जो इस बैच में आखिरी बार के रूप में चीजें ला रहा हूँ ना एटलीस्ट उनको तुम अटेंड करो अगले दस से बारह पंद्रह दिन है ना इनसे आपको ज्यादा फायदा होगा वहां से तो तुमने चीज़ें कवर की ना वो सेवेंटी से एट्टी परसेंट है कुछ ऐसी अलग चीज़ें हैं जो आर्मी में ही केवल पूछी जाती हैं तो वो भी मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ इसीलिए आप इन क्लासेस को धीरज जहांगीर जी कंटिन्यू करो इन्हें मिस मत करो नेक्स्ट पर आ जाइए और लूट लीजिए साहब ऐसे तो कई बच्चे एयरफोर्स वाले भी हैं जो अभी इन क्लासेस में उपस्थित हैं जिन्होंने एयरफोर्स की तैयारी मेरे साथ की थी लेकिन फिर भी वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी प्रकार का और वो इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं ज्यादा नहीं ज़्यादा से ज़्यादा पंद्रह दिन आपको लगातार ये क्लासेस अटेंड करनी है आपका काम हो जाएगा बेटा चलिए यूपी पुलिस के लिए बेटा आप हमारा दूसरा वाला जो चैनल है माय राइजिंग इंडिया वहाँ पर चार तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है आप उसे फॉलो कर सकते हैं यूपी पुलिस के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व कर लो पहले एक प्लस पच्चीस बटे एक सौ चवालीस एक सौ चवालीस प्लस पच्चीस एक सौ उनहत्तर हो गया तेरह का और एक सौ चवालीस हो गया बारह का बराबर में एक प्लस एक्स बटे बारह हो गया तो x बटे बारह को एज इट इज रखो एक को इधर भेज दो तो एक बटे बारह बचेगा बारह से बारह कट जाएगा x का मान एक आ जाएगा और यही हमसे पूछा गया है कि x का मान क्या है आरपीएफ के लिए भी आप उसी बैच को फॉलो करें बेटा जो सारथी हमारा न्यू बैच आ रहा है ना आप उसे फॉलो कीजिए नेक्स्ट पर आइए आईसीजी क्लास शाम को छह बजे बेटा मेरी

अब एक ऐसा ऑप्शन देख लो जो साठ से कटता हो और छोटा हो साठ से ये नहीं कटता साठ से ये नहीं कटता साठ से ये दोनों कटते हैं लेकिन ये छोटा वाला है इसलिए हम छोटे वाले को पकड़ेंगे क्योंकि हमसे छोटी संख्या बोली है इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता बाकी आप चाहें तो तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ हमें मिल गई संख्या साठ यानी साठ वो संख्या जो इन सबसे कटती है लेकिन उसने कहा है कि संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे तो या तो इसे डबल करते जाओ तब तक जब तक एक पूर्ण वर्ग संख्या ना मिल जाए या फिर एक काम करो साठ को तोड़ो चार गुणा पंद्रह में इस पंद्रह को तोड़ो तीन गुणा पांच में अब पूर्ण वर्ग अगर बनाना है तो चार का तो जोड़ा बन के बाहर निकल आएगा लेकिन तीन और पांच का नहीं है तो अपनी तरफ से तीन और पांच का गुणा और कर दो खत्म ये क्या हो गया ये हो गया सर पांच दिया पंद्रह पंद्रह चौक साठ और साठ पंद्रह नब्बे तो आ जाएगा नौ सौ जहां जोड़े कम पड़ रहे हैं उन जोड़ों को पूरा कर लो बस है जी चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए ये किसी को टफ तो नहीं लग रहा किसी को घुटन और जी मिचलाने जैसी समस्या हो रही हो आपने एस एस में बेस्ट पढ़ाया था मेरा अच्छा एग्जाम गया चलो ये अच्छी बात है धीरज सीजीएल के लिए बेटा आप उस बैच को फॉलो कीजिए सारथी बैच सारथी बैच सारथी बैच जो हमारे दूसरे चैनल पर लॉन्च हो चुका है चार तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे 121 किसका होता है बच्चों 11 का 11 और 16 किसका होता है चार का चार बत्तीस छत्तीस छत्तीस छत्ती किसका होता है छह का तो आंसर कितना आ जाएगा छः आ जाएगा बड़े प्यार से ठीक है बच्चों नेक्स्ट पर आइए 64 व्यक्ति किसी काम को पंद्रह दिन में कर सकते हैं एमडीएच का तड़का अंग अंग फड़का वही काम 80 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे मान लो एक्स आठवा टू चौंसठ और आठ धाई अस्सी पांच तिया पंद्रह और पांच धुनी दस दो से दो चौके आठ चार तिया कितना हो गया बारह यानी कि बारह दिन में और यही इस प्रश्न का आंसर होगा ठीक है जी क्लियर हुआ कह किसी कक्षा में तीस परसेंट लड़के फुटबॉल खेलते हैं और शेष बचे लड़कों का चालीस परसेंट क्रिकेट खेलते हैं मान लो सौ लड़के हैं उस स्कूल में या कक्षा में जिनमें से तीस परसेंट लड़के क्या करते हैं फुटबॉल खेलते हैं यानी फुटबॉल वाल खेलने वाले कितने लड़के हैं सौ में से तीस है अब जो शेष बचे शेष कितने बचे सत्तर तो इन सत्तर में से चालीस परसेंट इन सत्तर में से चालीस परसेंट सत्तर का चालीस परसेंट अट्ठाईस लोग क्या करते हैं बेटा क्रिकेट खेलते हैं बचे कितने आप मुझे ये बताइए आप कहेंगे सर बचे हमारे पास अब बयालीस जो क्या करते होंगे टेनिस खेलते होंगे लेकिन वास्तव में टेनिस खेलने वाले बयालीस नहीं इक्कीस दे रखे सवाल में तो लड़कों की संख्या भी फिर सौ नहीं कितनी होगी पचास होगी और यही इस प्रश्न का आंसर है यानी कि ए. ठीक है. चलिए. क्लियर हुआ बच्चों बात समझ में आ गई ये चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ नहीं है फिर भी मेरे को समझ में आ रहा है वाह बेटा तुम तो भगवान बन गए फिर इसका मतलब चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहां से इस तरीके का देखने को मिल जाता है ठीक है हाँ। 750 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 20 सप्ताह का भोजन था यदि 4 सप्ताह के अंत में उनके साथ 450 सैनिक और शामिल हो गए तो अब भोजन कुल कितने सप्ताह और चलेगा पहले तो मुझे यह बताओ कि 20 सप्ताह का भोजन था 750 सैनिकों के लिए अगर ये ईमानदारी से खाते तो 750 सैनिक 20 सप्ताह पर 20 सप्ताह तक खा लेते और और खाना पूरा हो जाता सही है सही लेकिन हुआ ही कि इन्होंने पूरे 20 सप्ताह भोजन नहीं खाया इन लोगों ने केवल 16 सप्ताह ही भोजन खाया था और नहीं चार सप्ताह ही भोजन खाया था जैसे ही चार सप्ते पूरे हुए 450 सैनिक और आ गए यानी क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 750 सैनिकों के 20 सप्ताह का भोजन अवेलेबल था लेकिन इन्होंने 20 सप्ताह खाया नहीं इन्होंने केवल 4 सप्ताह ही खाया मतलब 750 सैनिकों के 16 सप्ताह का भोजन बच गया जो अब 450 सैनिक और आ गए यानी कि 1200 सैनिक अब खाने वाले हैं कितने दिन मान लो x दिन खत्म सवाल सॉल्व कर लेते हैं इसे Uh, 15 से काट लो या जीरो से जीरो को काट लो पहले पंद्रह पाँच पचहत्तर हो जाएगा पंद्रह अठे एक सौ बीस हो जाएगा सोलह हो जाएगा, X बराबर आ जाएगा दस दिन एक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों दस दिन यानी दस वीक के लिए खाना और चलेगा कायदे से जो खाना सात सौ पचास लोगों का सोलह सप्ताह का बचा था अब वो बारह सौ लोग खा रहे हैं कितने दिन खा पाएंगे मान लिया हमने एक्स दिन सेम इसी पैटर्न पर बेस सवाल था जैसा ये सवाल था बिल्कुल इसी पैटर्न पर था बस यहाँ पर बचे हुए के आधार पर हमने फोड़ा है है सवाल को ठीक पहले जो खाना चल रहा था, चार सप्ताह के बाद सोलह सप्ताह चलना चाहिए था अब इन चार सौ पचास सैनिकों के आ जाने के कारण केवल दस सप्ताह ही चल पा रहा है तो आंसर क्या होगा दस सप्ताह और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों नेक्स्ट पर आ जाइए बहुत ही प्यारा सवाल है भाई साहब सर ये माइक फेंक दो दूसरा ले लो इस क्लास के बाद मैं दिखवाता हूँ बेटा टेक्निकल टीम से है ना तेईस फिर से बता दो तेईस में क्या है सौ लोग थे जिनमें से तीस परसेंट फुटबॉल खेलते थे मतलब तीस फुटबॉल खेलते थे अब जो बच गए सत्तर उसका चालीस परसेंट क्रिकेट खेलते थे भैया सत्तर का चालीस परसेंट अट्ठाईस क्रिकेट खेलते थे तो बचे कितने बयालीस जो पक्का टेनिस खेलते होंगे लेकिन सवाल में बोल रहा है इक्कीस टेनिस खेल रहे हैं शेष इक्कीस टेनिस खेल रहे हैं हमारे शेष बयालीस हैं तो बयालीस इक्कीस के बराबर है ठीक आधा है तो मेरे बच्चे ये भी आधा हो जाएगा खत्म क्या था सवाल के अंदर बेटा? ठीक हाँ। है बेटा मैंने ऐप पर इसलिए स्लो पढ़ाया था क्योंकि वहां पर मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा था इसलिए सारी चीजें मैंने ईमानदारी से तो मैं समझाने के लिए आराम से पढ़ाई थी मैं चाहता तो वहां भी बुलेट की रफ्तार से चल सकता था लेकिन फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ता आपको शरीफ आ जाओ ए और बी के आय का अनुपात दिया है जबकि इनके खर्चों का भी अनुपात दिया है ए बी सी जितना जितना खर्च करते हैं ना इसका रेशो आपको दे रखा है कितना दिया है आठ पांच दो आठ पाँच दो यानी ए आठ रुपए खर्च करता है बी पाँच करता है सी दो करता है लेकिन सी वास्तव में दो हजार करता है अगर सी दो हजार करता है हजार गुना तो इसका मतलब बी भी हजार गुना खर्च करता होगा और सी भी हजार गुना खर्च करता होगा यानी वास्तव में अगर सी दो हजार खर्च करता है तो ए आठ हजार और बी पाँच हजार खर्च करता होगा कह रहे हैं बी सात बचाता है कायदे से जो बी है वो 5000 कमाता है और सात रुपए बचाता है इसका मतलब उसकी जो इनकम होगी इसका मतलब उसकी जो इनकम होगी बी की वो कितनी होगी बच्चों आप कहेंगे सर उसकी इनकम होगी सत्तावन पता लग गया हमें बी की इनकम अच्छा जी आप मुझे बताइए ए और बी की इनकम का रेशो क्या है सर आप कहेंगे पांच अनुपात तीन है इसका मतलब ए पांच कमाता है बी तीन कमाता है वास्तव में भी तीन नहीं कितने कमाता है सर जी सत्तावन सौ कमाता है कितने गुना है बच्चे आप कहेंगे सर उन्नीस सौ गुना है अगर ये उन्नीस सौ गुना है तो ये भी उन्नीस सौ गुना होगा यानी कि पंचानवे सौ रुपए कमाएगा कौन ए अगर ए पिचानवे सौ कमाएगा तब ए की बचत पूछी गई है ए अगर पंचानवे सौ कमाता है और खर्च करता है आठ हजार तो बचाएगा कितना पंद्रह सौ बोलो बेटा इसका पीडीएफ नोट्स बैच में मिल जाएगा परेशान ना हो ठीक है चलिए तो उम्मीद करता हूं इतनी सी बात आपके दिल की गहराई में उतर गई सारे बेस्ट क्वेश्चंस लाया था मैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे इन क्वेश्चंस को बैठकर दोबारा आपको लगाना है कहां से सर इस नोट्स बैच में से अच्छा ये महायज्ञ है आप लोगों के लिए जो पंद्रह घंटे लगातार होगा बीस अप्रैल देखना ना भूलिए होंगे, और ऐसे होंगे जो देखने को मिलेंगे। से। यहां इस नोट्स बैच में आपको इसका पीडीएफ और इसका मॉक टेस्ट मिल जाएगा आज की आज इसे बैठकर लगाना क्योंकि कल जब क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस फील होगा अगर आप इन क्वेश्चंस को दोबारा लगाकर आएंगे ठीक है अब एक बार जल्दी से सॉल्यूशन हाँ, के साथ मिलेगा बेटा सॉल्यूशन के साथ भी मिलेगा और इसका मॉक टेस्ट भी मिलेगा ठीक है अब हाथ जोड़कर विनती है एक बार अपने अपने स्कोर को कमेंट कर दीजिए किसका कितना स्कोर रहा जल्दी से जल्दी से बताइए बच्चों अपना अपना एक बार स्कोर कमेंट कीजिए सारे बच्चे वेरी गुड कुलदीप पच्चीस सत्रह आउट ऑफ पच्चीस वेरी गुड नॉट बैड नीतेश सोला नॉट बैड ट्वेंटी प्लस वाला नहीं है कोई सॉल्यूशन सहित नोट्स बनाने में मदद मिलती है हाँ बेटा सॉल्यूशन सहित ही मिलेगा और मॉक टेस्ट अलग मिलेगा वेरी गुड चलिए बहुत बेकार स्कोर है आप लोगों का एटलीस्ट ट्वेंटी प्लस स्कोर होना चाहिए पच्चीस में से बीस या बीस से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए तभी मेरे कलेजे को शांति मिलेगी और तुम्हारा सिलेक्शन सिक्योर होगा ठीक है और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बेटा कहीं ना कहीं तैयारी में कमी है प्लीज़ उन चीज़ों पर काम करिए ठीक है ये हेल्पलाइन नंबर है जिन पर आपको अगर कोई भी एप्लीकेशन या कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी करनी है तो आप कर सकते हैं कैसी लगी क्लास मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम लाता रहूंगा कल मिलेंगे हम अगली मिक्स प्रैक्टिस के साथ तो तैयार होकर आइएगा और इस मॉक टेस्ट को लगाकर जरूर आइएगा तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय सी यू सून अब मुलाकात होगी शाम को छह बजे आईसीजी स्पेशल क्लास में तो आइएगा जरूर आपका इंतजार रहेगा तहे दिल से और खुली बाहों से ठीक है तो मिलते हैं जय हिंद जय भारत वंदे मातरम थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय लव यू ऑल